आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बड़ा सा अपार्टमेंट जो सेल के लिए अवेलेबल है। आज का ये अपार्टमेंट एक बड़ा सा 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट एक बड़े से 4 BHK से कंपीट करता है, क्योंकि इसका सर्वेंट रूम भी ऑलमोस्ट एक बेडरूम जितना बड़ा हो जाता है। तो सब कुछ देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। तो गौर सिटी टू नोएडा स्टेशन के अंदर आज की हमारी सोसाइटी गौर 11th Avenue हो जाती है, एक फुली रेडी टू मूव इन सोसाइटी हो जाती है। सोसाइटी के अंदर हमारे अपार्टमेंट का टावर ये वाला हो जाता है, ऑलमोस्ट 20x20 फ्लोर की बिल्डिंग हो जाती है। इसके लोअर फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है और नीचे इसकी लॉबी आ जाती है। तो दरअसल लॉबी, अब चलते हैं फ्लोर पर। हमारे फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो 1, 2, 3 लिफ्ट मिल जाता है पर फ्लोर। नंबर ऑफ अपार्टमेंट की बात करें तो टोटल 2 विंग मिल जाता है। 4 अपार्टमेंट हमारे इस साइड आ जाते हैं, 4 अपार्टमेंट हमारे इस साइड आ जाते हैं। टोटल 8 अपार्टमेंट 3 लिफ्ट पर फ्लोर हो जाता है और हमारा अपार्टमेंट उस साइड आ जाता है। फ्लोर हमारा 5th हो जाता है और यहाँ पे हमारा बड़ा सा 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम अपार्टमेंट आ जाता है, जो कि एक 4 BHK से कम नहीं है। हमारे इस अपार्टमेंट का एरिया 1600 स्क्वायर फीट हो जाता है, मतलब 1600 स्क्वायर फीट। कॉर्नर की प्रॉपर्टी हो जाती है, सामने स्पेस मिल जाता है और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे अपार्टमेंट के एंट्रेंस पे आयरन गेट मिल जाता है और डबल सिक्योरिटी के लिए एक वुडन गेट मिल जाता है। सो ये हो गया हमारे अपार्टमेंट का मेन एंट्रेंस और यहाँ पर आ जाता है हमारे अपार्टमेंट का सर्वेंट रूम का एंट्रेंस। यहाँ से भी एंट्री हो जाएगी और अपार्टमेंट के अंदर से भी एंट्री है। सब अच्छे से कवर करेंगे, अंदर चल के देखेंगे। अभी मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं और चलते हैं अपार्टमेंट के लिविंग एरिया में। तो ये हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया हो जाता है, लेट्स चेक दिस आउट। फटाफट लेआउट समझा देता हूँ। ये हमारा मेन एंट्रेंस हो जाता है, यहाँ पे हमारा सर्वेंट रूम का एंट्रेंस जाता है, ये दोनों हमारे एंट्रेंस हो जाते हैं। देन एंट्री करेंगे तो 4.5x3 का फॉयर एरिया मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है और वहाँ पर हमारे अपार्टमेंट का डाइनिंग एरिया जाता है। हमारे मेन गेट से लगा हुआ यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम में जाता है, वहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का सेकंड बेडरूम जाता है, उसके बगल में थर्ड बेडरूम। तो ये हमारा ओवरऑल लेआउट हो गया। और हाँ, लिविंग एरिया हमारा 11x17 का हो जाता है, एक बड़ा सा लिविंग एरिया। और बात करें हमारे अपार्टमेंट के डाइनिंग एरिया की, यहाँ पर आपको बड़ा सा 8.5x9 का डाइनिंग एरिया मिल जाता है और हाँ, वहाँ पे हमारा किचन आ जाता है जो हमारे डाइनिंग एरिया से अटैच हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया हो जाता है। और हमारे इस लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सेलेट के लिए यहाँ पे अटैच एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। ये हमारे अपार्टमेंट की फर्स्ट बालकनी भी हो जाती है, एक बड़ी सी फर्स्ट बालकनी जो 5 फीट वाइड हो जाती है। और बात करें व्यू की, सो लेट्स चेक दिस आउट। तो ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बालकनी और उससे आने वाला व्यू। लिविंग एरिया ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, अब हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो यही कम से वो फर्स्ट बेडरूम, हमारे फर्स्ट बेडरूम का डायमेंशन 10x12 का हो जाता है। तो हमारे फर्स्ट बेडरूम में स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है, वहां पे एक वुडन वार्डरोब मिल जाता है और वहां पर अटैच हमारे अपार्टमेंट की सेकंड बालकनी आ जाती है। हमारी सेकंड स्पेशियस बालकनी विच इज 5 फीट वाइड विच कम विद दिस व्यू। तो ये हो गया हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है, जिसको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सामने वाली बालकनी को भी और हमारे डाइनिंग एरिया को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे अपार्टमेंट के किचन सेक्शन की। पैरेलल प्लेटफॉर्म का किचन मिल जाता है, डायमेंशन इसका 8x8 का हो जाता है। तो ये हमारा बड़ा सा किचन हो जाता है, पैरेलल प्लेटफॉर्म मिल जाता है और किचन के अंदर दोनों साइड आपको काम करा हुआ मिल जाता है। और हमारे किचन के साथ सामने अटैच यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है, हमारी थर्ड बालकनी हो जाती है, एक स्पेशियस यूटिलिटी बालकनी हो जाती है जो 5 फीट वाइड हो जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड है विच कम विद दिस वे। ये बालकनी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड है, एल शेप की बालकनी हो जाती है और हमारे इसी बालकनी से यहाँ पे अटैच हमारा सर्वेंट रूम भी आ जाता है। तो ये कम से वो सर्वेंट और स्टडी रूम, डायमेंशन इसका 9x8 का हो जाता है। तो इसको हमारा सर्वेंट रूम कम हमारा सेकंड बेडरूम भी कह सकते हैं। रूम के अंदर स्पेस अच्छा मिल जाता है, 9x8 का डायमेंशन हो जाता है। हमारे सेकंड रूम के अंदर वहाँ पे एंट्रेंस गेट मिल जाता है, जिसको ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो वहाँ पे हमारा बाहर वाला एंट्रेंस हो जाता है, यहाँ पे अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है। हमारा एक छोटा सा फर्स्ट वॉशरूम डायमेंशन का 5x3.5 का हो जाता है। तो ये हमारा सर्वेंट रूम कम हमारा सेकंड बेडरूम हो जाता है, जो हमारी यूटिलिटी से कनेक्ट हो जाता है और सेम यूटिलिटी हमारे किचन से कनेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो कनेक्ट हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के थर्ड बेडरूम से भी। तो फटाफट अपने थर्ड बेडरूम को देख लेते हैं। हमारे थर्ड बेडरूम का डायमेंशन 13x11 का हो जाता है। तो
ये हमारा बड़ा सा थर्ड बेडरूम हो जाता है, वहाँ पे वुडन वार्डरोब मिल जाता है और वहाँ पर स्टोर रूम का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर रूम बन जाएगा, 5x5.5 का डायमेंशन जाता है, फिलहाल टेम्पल स्पेस की तरह यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है, हमारा सेकंड वॉशरूम। इस वॉशरूम का डायमेंशन 5x8 का हो जाता है। हमारे ये सेकंड वॉशरूम हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम भी जाता है, इसको आप लिविंग एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। और वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, ये हमारे अपार्टमेंट की फोर्थ बालकनी हो जाती है। अगेन हमारी फोर्थ बालकनी भी 5 फीट वाइड हो जाती है, स्पेस काफी बढ़िया मिल जाता है। और बात करें व्यू की, सो लेट्स चेक दिस आउट। तो हमारे इस अपार्टमेंट से ओवरऑल व्यू आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। वैसे तो आपने व्यू देख लिया, लेकिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल चलते हैं हमने लास्ट और फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम भी जाता है, जहाँ से आपको बढ़िया सिटी का और रोड का व्यू मिलने वाला है। तो ये कम से कम मास्टर बेडरूम डायमेंशन इसका 11x15 का हो जाता है। आपको एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम मिल जाता है, नीचे वुडन टाइल मिल जाता है, वहाँ पे एक वुडन वार्डरोब मिल जाता है। और यहाँ पर अटैच हमारे अपार्टमेंट का थर्ड वॉशरूम मिल जाता है, ये हमारे अपार्टमेंट का लास्ट वॉशरूम मिल जाता है। डायमेंशन इसका 5x8 का हो जाता है। और वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, ये हमारी फिफ्थ बालकनी और लास्ट बालकनी भी हो जाती है। तो टोटल आपको 5 बालकनी मिल जाती है अपार्टमेंट के अंदर, सारी 5 फीट वाइड बालकनी हो जाती है, स्पेशियस बालकनी। और बात करें इस बालकनी की, सो दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। तो हमारे अपार्टमेंट के 5 में से 4 बालकनी से आपको यही व्यू देखने को मिल जाता है। इन बालकनी से आपको प्रॉपर गॉड सिटी 2 के रोड का व्यू मिल जाता है, मतलब सिटी की लाइफलाइन का व्यू मिल जाता है। तो ये था हमारा बड़ा सा 3 BHK सर्वेंट अपार्टमेंट। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की। और हाँ, डिमांड बताने से पहले आप सबको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। नोएडा की बढ़िया होटल्स हम इस पेज पे डालते रहते हैं और नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, वहाँ पे काफी सारी डील्स स्टोरी पे ही सोल्ड आउट हो जाती है। और अगर आपको या फिर आपके रिलेटिव को नोएडा के अंदर अपनी प्रॉपर्टी जल्दी सेल आउट करनी है तो भी आप हमें सेम इंस्टा पे मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे अपार्टमेंट की डिमांड की। सो डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट जस्ट 1.02 CR, मतलब बस 1 करोड़ 2 लाख रुपए। इफ इंटरेस्टेड आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ऑल राइट, माय नेम इज शौर्य, फॉलो फॉर मोर डील्स इन ऑर्डर। तब तक के लिए मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। नमस्कार।